महेश भाई को बहुत भूख लगी थी, मेरे आने से पहले ही आटा गूंदना शुरू कर दिया इन्होंने। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं निशांत। तो गाइस आज है हमारा डे टू लद्दाख राइड का और अभी हम लोग हैं मनाली में और मनाली में रुके हुए हैं हम लोग होटल हिल साइड व्यू में। अब यहां से हम लोग सारा सामान पैक करके निकलने वाले हैं लाहौल की साइड। लाहौल में जाकर हम लोग करने वाले हैं आज रात को कैंप। फिलहाल जो है यहां से सब कुछ पैक कर लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, पेट भर गया है, सब कुछ रेडी है। एक बार नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो प्लीज़ चैनल पे चेक करके आप देखते रहना क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव अपडेट्स देता रहूँगा रील्स के थ्रू या फिर स्टोरीज़ के थ्रू। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो मेरी रील्स या पोस्ट पर, तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। गाइस अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और दोबारा से बादल होने लग गए हैं, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं होटल हिल साइड व्यू से। और ये हमारे साथ अजय भाई, अजय भाई इनका ये यहाँ पर होटल है होटल हिल साइड व्यू। तो अगर किसी को यहाँ पर स्टे करना है तो मैं नंबर डाल दूंगा और यहाँ पर आके आप रुक सकते हैं। जो भी बाइकर्स आ रहा है अभी जुलाई से सितंबर तक, तो हाँ। आपका 1000-1100 में रूम मिल जाएगा, 2-3 जने शेयरिंग हो सकते हो। तो भाई बाइकर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, तो बाइकर्स जो भी आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, नंबर मैं डाल दूंगा। बाकी लोकेशन तो इजीली आपको मिली जाएगी, बाइक्स पे कोई टेंशन है नहीं। ये अपनी बाइक जो है लोड हो चुकी है, ये ग्रीन ग्रीन सामान सब पैक हो चुका है और इस बार जो है ना लगेज सेटअप बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सामान को हिलेगा डुलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो भाई चल रहे हैं अब हम यहाँ से आगे जिस्पा की तरह। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं जल्दी। ओ भाई साहब निकल गए भाई साहब, मौसम फिर से हो रहा ख़राब भाई साहब। जिस्पा पहुँचना है, जिस्पा लगेंगे करीब 3-4 घंटे। थर्सडे है तो वीकेंड का क्राउड भी नहीं है यहाँ पर, और वैसे भी समर वैकेशन ख़त्म हो चुकी है, जुलाई का महीना है तो उस वजह से भी भीड़ कम है। और एक और रीज़न है कि बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है तो इसलिए भी भीड़ कम है। तो यही बेस्ट टाइम है भाई मनाली आने का, जिन लोगों को मनाली घूमना है तो आ जाओ भाई। तो अभी हम यहाँ से लेने वाले हैं सब्ज़ी, ले लो आलू, आलू प्याज टमाटर तो ले लो यार। दोनों जाएंगे तो फिर बाइक्स कौन देखेगा, सामान ऐसी लगा हुआ है। तो भाई सब सामान ले लिया है ग्रोसरीज का, इसको बांध दिया, बाकी अब ये कितना टिकता है कितना गिरता है सुबह तक पता लग जाएगा। बड़ा डिफिकल्ट है भाई ये सामान ग्रोसरीज खरीदने के बाद कैरी करना। तो गाइस मौसम जो है बहुत प्यारा है यार, पूरी तरह से ग्रीन ग्रीन हो रहा है चारों तरफ, और सामने के पहाड़ भी देखो आप बिल्कुल ग्रीन है क्योंकि बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पे हरियाली पूरी तरह से आ चुकी है। तो वो हरियाली जो है देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बारिश के साथ साथ बहुत सारे रिस्क भी आ जाते हैं साथ में, क्योंकि हम जो है कैंप करने वाले हैं और हमारे को कैंपिंग लोकेशन ऐसी ढूंढनी है जो कि ऐसी जगह ना हो जहाँ पर पत्थर गिर सकते हो या फिर कोई नदी हो जो नदी का फ्लो एकदम तेज हो सकता हो। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कैंप करते टाइम। तो आप भी अगर कभी बारिश में कैंप करने की सोच रहे हो ना, तो भाई ये सब चीज़ों का ध्यान जरूर। तो आप मेरे वीडियोस में ये जगह बहुत बार देख चुके हो और आपको पता ही है हम अटल टनल के आसपास में हैं, और यहाँ का नज़ारा हर बार आपको अलग देखने को मिला होगा। कभी बर्फ़ पड़ रही है पूरे में, कभी एकदम से हरियाली है, कभी एकदम सूखे पहाड़ हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी बर्फ़ पड़ रही है, तो मतलब चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है सेम जगह पर भी। अब यहाँ पर देखो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, सब लोग अपनी बाइकें लगाकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के नज़ारे और भी ज़बरदस्त होने वाले हैं। ग्रीनरी नहीं मिलेगी वहाँ पर, वहाँ पर मिलेंगे सूखे पहाड़, लेकिन वो भी एकदम विशाल। हाँ भाई, हमेशा इस टनल के अंदर आके ऐसा लगता है कि आगे जाके बोर हो जाएंगे, लेकिन जब दूसरी साइड निकलते हैं तो अलग ही एकदम नज़ारा देखने को मिलता है। इस बार तो हरियाली सी नज़र आ रही है भाई, ग्रीनरी है यहाँ तो। धूप निकल रही है क्या? नहीं धूप तो नहीं है, है तो बादल ही, लेकिन एकदम ख़राब मौसम भी नहीं है, ठीक ठाक है। धूप निकल रही है भाई, यहाँ पे निकल रही है धूप। तो भाई सिसु पहुँच गए, सिसु में भी कैंप कर चुका हूँ मैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हो। अबे यार बारिश आ गई, और रुक जा थोड़ी देर, रुक जा भाई, रात भर बरस लियो, चाहे टेंट लगा दूँ एक बार बस, फिर होती रहना।
तो भाई हम पहुंच गए हैं तांडी। तांडी में हम अब करा लेंगे अपना टैंक फुल, क्योंकि आगे जंस्कार में सीधा पदुम में हमको मिलेगा पेट्रोल पंप, उससे पहले कुछ नहीं मिलने वाला, तो यहीं से फुल करा के चलना पड़ेगा। तो जी टेंट्स लग गए भाई, जबरदस्त लोकेशन है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जिस्पा में, और जिस्पा में हमने यहाँ पर टेंट भी लगा लिया। लोकेशन बहुत ही अच्छी है, रिवर के पास में है, रिवर से काफ़ी ऊंचाई पर है हम, तो मतलब ऐसे कोई रिस्क नहीं है इतना, लेकिन मुझे भाई बहुत डर लगता है नदियों से, तो मैं वैसे भी बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन आज हमने लगा लिया क्योंकि रिवर का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे है, 20-25 फुट होगा, तो मतलब इतना कोई ऐसे रिस्क मुझे लग नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यहाँ लगा लेते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, और रिवर की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई दे रही होगी। ये कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ये कोई हवा नहीं आ रही, ये रिवर की साउंड है, और इसी साउंड में आज सोएंगे। पता नहीं नींद आएगी या नहीं, वो तो रात को ही पता लगेगा, लेकिन अपन जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पर टेंट वेंट लगा चुके हैं और अपना सारा सामान जो है यहाँ पर ले आए हैं। थोड़ा हमें दूर लेकर आना पड़ा सामान, यहाँ तक बाइक नहीं आती है, तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लग जाती है, लेकिन लोकेशन आपको बढ़िया मिलती है। अभी खाना वाना बनाएंगे, आज रात को बनाने वाले हैं मशरूम की सब्ज़ी, तो देखते रहिएगा पूरा वीडियो, और लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको कैंपिंग वीडियोस पसंद है भाई। भाई साहब आज बन रहे मशरूम, पहले मशरूम को अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया जाएगा क्योंकि बहुत गंदे होते हैं। कुकर मुत्ता, और कुत्ता मुत्ता है तब बनता है कुकर मुत्ता। धोते चलो कुकर का मतलब होता है कुत्ता संस्कृत में। किस चीज का? कुकर मतलब कुत्ता, और यह है कुकर मुत्ता मतलब कुत्ता मुत्ता। उनको भाई साहब 3-4 बार पानी से धोया जाएगा तब ये साफ होएंगी। तो महेश भाई काट रहे हैं कुत्ता मुत्ता। ये रोटी बनाएंगे ना, रोटी
अब ये मेरे पास है मिक्स मसाला और ये मैंने घर में बनाया है, सारे मसालों को मिक्स करके। इसके अंदर मिर्च है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, देगी मिर्च है, जीरा है, जीरा पाउडर है और ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। मशरूम डाल दी गई है, ये देखो एक बात बताऊं, मटर तो डाली नहीं। मैं भी यही सोच रहा था, बोला ही नहीं क्यों नहीं, मटर तो हमने छोली नहीं। कोई नहीं, थोड़ा पानी डाल दो इसमें, ये गर्म होगा ना तब तक मटर छोल देंगे। कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगी, छिल्लो छिल्लो 10 मटर, 10-20 मटर। तो पूरी सब्जी बना दी यार और मटर डालना भूल गए। तो मटर वैसे तो बाद में भी डाल सकते हैं, मटर का ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो अभी मटर भी डाल देंगे, मटर महेश भाई छील रहे, फिर मटर भी डालेंगे तो मटर मशरूम बनेगी। महेश भाई को बहुत भूख लगी थी, मेरे आने से पहले ही आटा गूंदना शुरू कर दिया इन्होंने। क्या करें भाई, क्या करें, बुला लिया करो भाई, जनता को देखना है आटा कैसे गूंदा जाता है भाई, ट्यूटोरियल है एक। तो फिर दोबारा गूंदू? नहीं नहीं, अब कल दिखा देंगे, कल भी तो रोटी बनेंगे। चलो भाई, ये आटा जो है रेडी हो गया, बस रोटियां सेकनी है, सब्जी हमारी बन गई है। कैंपिंग में रोटियां बनाने वाले हम ही लोग लग रहे हैं। मैंने वैसे देखे नहीं है कैंपिंग में रोटियां बनाते हुए, कुछ कुछ बनाते हैं लेकिन वो कार में कैंप करते हैं, बाइक में करने वाले कम है। जैसे कि टाइम लगता है, उनके पास घर का घी है, घर की गाय है, गाय भैंस है, गाय गाय का घी। ये हमारी सब्जी जो है बन गई, में घी भी डाल दिया भाई ने। ये देखो मटर मशरूम की जबरदस्त सब्जी। ये हमारी रोटियां भी रेडी हो चुकी हैं, घी लगी हुई एकदम मस्त तरीके से, और भाई के पास डिलीशियस। गाइस आप भी ट्राई मान लो, खा लो ना, एक और खाऊंगा बस। तो गाइस डिनर हमारा हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना था, तो मजा आ गया खाकर। और पूरी रात जो है रिवर की साउंड आने वाली है, तो मुझे लगता नहीं है मुझे नींद आएगी, देखते हैं बाकी क्या होता है रात में। स्टार्स थोड़े बहुत निकल रहे थे लेकिन फिर से बादल हो चुके हैं काले काले, तो मुझे नहीं लगता रात को कोई टाइम लैप्स वगैरह बना पाऊंगा मैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ पर कैंप करने का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कल हम जाएंगे शिंकुला की तरफ, शिंकुला पास क्रॉस करके आगे जाके कहीं कैंप करेंगे, तो वो वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना और कमेंट में बताइए आपकी कुछ क्वेरीज है, कुछ सवाल है तो मैं जवाब दे दूंगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे की जर्नी के साथ, और कल सुबह का नज़ारा भी दिखाऊंगा वो भी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।